वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बेस्ट फाउंडेशंस फॉर ऑयली स्किन टाइप। फाउंडेशन चूज करना एक बहुत बड़ी डील है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बेस्ट फाउंडेशन फॉर योर स्किन टाइप, बिकॉज अगर आप कोई भी फाउंडेशन दूसरा जो आपकी स्किन को मैच नहीं करता हो या फिलहाल के लिए मैच कर रहा हो और एक दो घंटे के बाद आपकी स्किन की हालत खराब हो गई है या ब्लैक पड़ने लग गए या केकी लगने लग गए, तो दैट इज नॉट राइट फाउंडेशन फॉर यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बेस्ट फाउंडेशंस फॉर ऑयली स्किन जो आप यूज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हैं तो ये जो ऑप्शंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑयली स्किन फाउंडेशंस के लिए, तो आप इसमें से कोई भी आपकी अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। पहला फाउंडेशन है NYX टोटल ड्रॉप फाउंडेशन। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। आप इसको मीडियम टू फुल कवरेज भी यूज कर सकते हो। आपको अगर लाइट बेस भी चाहिए, जैसे नेचुरल बेस भी चाहिए, तो आप इसको नेचुरली भी यूज कर सकते हो। काफी फ्लॉलेस फिनिश देता है, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो करने वाली है। अगर ये आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो बिल्कुल भी ये ऑयल नहीं छोड़ने वाली, आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसमें आपको 18 शेड्स अवेलेबल है, आपकी स्किन टोन के हिसाब से आप कूल टू वार्म स्किन जो का जो भी शेड है आप यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है मेबेलिन का फिट मी पोरलेस मैट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन काफी लाइट वेट है, आपको अगेन ये फ्लॉलेस लुक देने वाला है। ये आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो आपके स्किन के अंदर। इसमें 18 शेड्स अवेलेबल है, आपकी शेड कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप शेड चूज कर सकते हो। और ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है, आप इसको 6 से 8 घंटे तक आराम से कैरी कर सकते हो। 8 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा फेड होने लगेगा, बट दैट्स ओके। अगर आप कहीं भी 6-8 घंटे के लिए आप कहीं भी बाहर जाने वाले हो तो ये फिट मी का फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और ये बहुत ही इजी टू कैरी है, लाइट वेट भी है आपकी स्किन पे और इट गिव्स अ वेरी फ्लॉलेस एंड नेचुरल लुक। ये फाउंडेशन ऑफिस गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं। ये काफी अफोर्डेबल फाउंडेशन है फॉर कॉलेज गोइंग बिगिनर्स एज वेल एज ऑफिस गोइंग गर्ल्स या फीमेल्स जो एवरीडे मेकअप लुक करना चाहती हैं, तो ये फाउंडेशन फिट मी का इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। थर्ड फाउंडेशन है मेबेलिन सुपर सैटिन फुल कवरेज फाउंडेशन। ये काफी फुल कवरेज देता है, आपकी लुक बहुत ही एनहांस हो जाएगी। आप जैसे दिखते हो वैसे नहीं दिखोगे, डेफिनेटली मोर ग्लोई और फ्लॉलेस दिखने लगो। इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है, ये डेली फाउंडेशन नहीं है। अगर आप कोई वेडिंग्स में या स्पेशल ओकेजन्स में जा रहे हो जहाँ पे आपको 5-6 घंटे स्पेंड करना है, तो देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज दिस विल लुक केकी आफ्टर सम टाइम एंड आपको ये प्रॉपरली पूरा दिन आप इसमें नहीं रह पाओगे। सो दिस इज अ हैवी काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर हैवी ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स, संगीत पार्टी या व्हाटएवर। आई मीन अगर आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट बेसिकली अ डेली वेयर फाउंडेशन, दैट्स इट। फोर्थ फाउंडेशन है मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन एंड कंसीलर। ये तीनों चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं इस फाउंडेशन में। ये थोड़ा एक्सपेंसिव फाउंडेशन है, इट गोज अबव 1300 रुपीज। समर वेयर के लिए फाउंडेशन नहीं है, इसको आप विंटर्स में कैरी कर सकते हो। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, अराउंड 8-10 आवर्स आप इसको कैरी कर सकते हो। ये भी फुल कवरेज देता है, मीडियम टू फुल आप जैसे भी आपको ट्राई करना है आप इसको कर सकते हो। आपको इसमें काफी शेड्स मिलेंगे आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, सो यू कैन ट्राई दिस फाउंडेशन एज वेल, इट अब्सॉर्ब्स वेल इनटू योर स्किन। इसका प्लस पॉइंट एक ही है कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और ये फ्लॉलेस फिनिश देता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन है रेड एंड व्हाइट का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये काफी फ्लॉलेस फिनिश देता है, आपके अगर डार्क स्पॉट्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है आपकी स्किन पे, तो ये आपको हाइड कर देगा। आई मीन आपकी ब्लेमिशेस और पोर्स या स्कार्स को हाइड करने वाला है फाउंडेशन।
ये मीडियम टू लाइट कवरेज देता है, मीडियम टू फुल कवरेज भी देता है, डिपेंड्स अपॉन योर ओकेजंस आप इसको वेयर कर सकते हो। ऑन कैमरा ये एक्सीलेंट है, अगर आप इसको ऑन कैमरा यूज करने वाले हो मीन्स फोटोशूट्स में या वेडिंग्स में या स्पेशल ओकेजंस के लिए, सो दिस इज द परफेक्ट फाउंडेशन। बट दिस फाउंडेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डेली वेयर बिकॉज देन ऐसा लगता है कि आपने फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ब्राइट कर लिया है। तो अगर आप डेली वेयर के लिए ये फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज नॉट रिकमेंडेबल। इसके बदले का फाउंडेशन यूज कर सकते हो। बट अगेन कमिंग बैक टू वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन, इट गिव्स अ वेरी एक्सीलेंट अप्रोच ऑन कैमरा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी स्किन दिखाने वाला है, बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है और आपके मेकअप को भी बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करता है। तो आपके जो कलर्स होते हैं, जो आई शेडोज पे या ब्लशेज आप यूज़ करने वाले हो, उसको भी ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव और आउटस्टैंडिंग इफेक्ट देता है। आपकी स्किन बहुत ही वाइब्रेंट दिखती है। ये फाउंडेशन अराउंड 8 to 10 hours आराम से चलता है। ये आप साइडर्स क्या, सिस्टर्स क्या, मॉम क्या, आप ब्राइड्स भी ये फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइज टू चूज अ परफेक्ट फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप्स। तो इसमें से कोई भी आपकी बजट में बैठेगा वो फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और भी आपको कोई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मेकअप के बारे में या और मेरी अदर वीडियोज़ के बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी।